मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हमारा इंडिया का मैप चल रहा है तो इसके अंदर हम 15 स्टेट्स कर चुके हैं, 15 राज्य मैंने आपको करवा दिए हैं। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे। तो देखिए, अब आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए। अब देखिए बेटा, जो ये वाला आपको स्टेट दिखाई दे रहा है, जो ये वाला स्टेट है जो बीच में बड़ा सारा दिखाई दे रहा है, इसको अब हम कलर करेंगे। ओके, इसके हमने बाउंड्री बना दी है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं इसकी बाउंड्री के लिए। तो ये वाला कौन सा है बेटा? ये है मध्य प्रदेश। इसके देखो आप सेंटर में है तो इसलिए हम इसके बीच में ही नाम लिख देते हैं इसका। मध्य प्रदेश। ओके, अब देखिए बेटा, अब नेक्स्ट आता है देखिए बेटा, ये वाला जो स्टेट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैं पर्पल कलर से कर रही हूँ कलर। पहले हम इसकी बाउंड्री बनाएंगे। ओके, अब ये वाला कौन सा है? ये वाला है बेटा उत्तर प्रदेश। जो ये वाला स्टेट दिखाई दे रहा है ये है उत्तर प्रदेश। ओके, अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। ये वाला स्टेट देखिए, ये जो मैं बाउंड्री बना रही हूँ, ये वाला स्टेट है बेटा बिहार। कौन सा है ये वाला? बिहार। ओके, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो स्टेट है, ये वाला है बेटा झारखंड। झारखंड। ओके, अब देखिए, ये जो आपको छुटकू सा दिखाई दे रहा है, ये देखिए बेटा, ये जो छोटा सा ये छुटकू सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये अलग से जो है, ये कौन सा है? सिक्किम। ये है बेटा, इसमें छोटा है इसलिए इसका नाम हम बाहर लिख देते हैं, सिक्किम। ओके, अब देखिए, जो ये वाला जो स्टेट दिखाई दे रहा है हमको, बीच में जो स्टेट दिख रहा है, ये देखिए बेटा, जो ये वाला जो इस साइड से जो दिखाई दे रहा है, इसके बॉर्डर जो टच हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए कहाँ तक जा रहा है ये वाला स्टेट, ये यहाँ तक, ये पूरा है, ये वाला लंबा है ये वाला स्टेट। ये वाला है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ओके, आज हमने बेटा ये 6 स्टेट्स किए हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर हम कलर फिल करेंगे। ओके, अब देखिए, सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश किया था, तो मध्य प्रदेश के अंदर हम बेटा ये डार्क ग्रीन कलर कर रहे हैं। अब देखिए, पूरे के अंदर आप इसको इस तरीके से फिल कर दीजिए। आपको कलर बहुत सफाई से करना है, गंदा कलर कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा, ध्यान से करना है बेटा। देखिए इस तरीके से इसके आसपास के एरिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर लिखे हुए के ऊपर भी अगर हम कलर कर देंगे तो वो हमें साफ दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस वाले एरिया को ब्लैंक छोड़ दीजिए, वाइट हिस्सा छोड़ दीजिए, वाइट में ये कलर साफ हमें लिखा हुआ साफ दिखाई देगा। देखिए इस तरीके से इसको कर दीजिए। ओके, कलर एक सार करना है। ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश। अब देखिए बेटा, ये वाला है उत्तर प्रदेश, इसके अंदर हम ये पर्पल कलर करेंगे फिल। देखिए ये जो लिखा हुआ है इस एरिया को छोड़ दीजिए। आपको सावधानी से कलर फिल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है।
अब देखिए हमारा मैप पूरा होता जा रहा है, अब ये थोड़ा सा ही बच गया है, बाकी ये पूरा पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। ये देखिए बेटा, हम इस तरीके से इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब आ जाइए बिहार पर। बिहार में देखिए हमने पिंक कलर किया है, तो हम इसकी पिंक से ही इसको अंदर शेड करेंगे। ओके, इस एरिया को छोड़ दीजिए ब्लैंक। ये देखिए, ये हो गया बेटा बिहार। ओके, अब पैलेट कलर लीजिए। अब हम ये झारखंड करेंगे। ये देखिए झारखंड, ये झारखंड बेटा, ये जो कॉर्नर वगैरह सब आपको फिल करने हैं इसके। ओके बेटा, ये देखिए ये झारखंड। ओके, अब ऊपर छुटकू सा, ये छोटा सा ये छुटकू सा है ना, ये है सिक्किम। ओके, ये हम सिक्किम के अंदर ब्लैक कलर कर दिया। अब हमारा लास्ट बच गया है बेटा हमारे पास, ये है वेस्ट बंगाल। अब ये देखिए ऊपर से सारा, देखो कहाँ तक जा रहा है वेस्ट बंगाल, ये ऊपर लंबाई में देखो कहाँ तक फैला हुआ है बेटा, ये पूरा क्या है, ये वेस्ट बंगाल है ये। ओके, इधर कर दीजिए, इसके ये नीचे कर दीजिए कलर। ये देखिए वेस्ट बंगाल जहाँ लिखा हुआ है उस एरिया को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए बेटा, तो ये आज हमने 6 स्टेट्स और किए हैं। अब हमारा इधर वाला एरिया रह गया है, इसको हम कल फिल करेंगे, कल मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैंने एक मैप और बनाया है, आप लोग उसे देखिए। देखिए बेटा, ये है दूसरा मैप, ये मैंने आपको देखो एक मैप जो मैंने आपको कल करवाया था, एक ही मैंने दूसरा फिल किया है। इसके अंदर देखो क्या किया है, इसके अंदर मैंने सारे स्टेट्स के नेम इनके अंदर ही लिखे हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है आप सभी बच्चों को, ये सारे स्टेट्स के नेम मैंने इनके अंदर ही लिखे हैं। आपको अगर इस तरीके से अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। देखिए ये सबका नेम इनके अंदर लिखकर, और फिर इसके अंदर जिस तरीके से हमने इसमें किया था, ये सारे जो छोटे स्टेट्स थे दो, एक तो सिक्किम और एक ही गोवा, इनको बाहर लिखा है, बाकी सारे स्टेट्स के नेम मैंने अंदर लिखे हैं। ये वाला वो है, आप इस तरीके से करना चाहो तो आप इसको इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, बाहर भी नेम लिख सकते हो, इसमें अंदर भी नेम लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे बेटा, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको ये सारे स्टेट्स अच्छे से देखकर समझने हैं, और अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।